भारत में बेरोजगारी के कोई चार दुष्परिणाम लिखिए। भाई बेरोजगारी, वैसे भी सी बात है, रोजगार मिल नहीं रहा तो हम बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो आजकल तो बेरोजगारों के पास एक अच्छा ऑप्शन है, दे दनादन कॉमेडी वीडियो बनाओ और शानदार रोजगार प्राप्त कर लिया है, बढ़िया पैसा छाप रहे हैं। इसलिए गांव में आज भी कोई खेती बाड़ी करते हैं, खासतौर से सेकावाटी के लोग कहते रहते हैं कि गुरु जी ध्यान की करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। बोले क्या हो गया, सब यूट्यूबर बन गए, सब कॉमेडी कॉमेडी करने लग गए। तो भाई अच्छी बात है ना, उन्होंने अपना रोजगार स्थापित कर लिया खुद का। तो मान लीजिए बेरोजगारों के दुष्परिणाम, बेरोजगारी के दुष्परिणाम पूछा गया है तो हमें क्या करना है। दुष्परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो जेब में पैसा नहीं है, है ना, जेब में पैसा नहीं है तो गरीबी तो अपने आप ही हो गई, यानी गरीबी का जन्म होता है। यदि बेरोजगार व्यक्ति घूमता रहेगा तो थोड़े दिन बाद में सीधी सी बात है कपड़े लगते के भी पैसे नहीं होंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। गरीबी इंपॉर्टेंट है, ये पहला दुष्परिणाम गरीबी उत्पन्न होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी बढ़ेगी। मानव संसाधनों का कम उपयोग, सीधी सी बात है रोजगार नहीं है तो जो मानव संसाधन है हमारे देश के अंदर, अब हम कह सकते हैं कि हमारे 65 वर्ष से कम आयु की बात, 65 नहीं हम बोले कि अब 25 से लेकर के 60 वर्ष की उम्र के बीच जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे देश में चाइना के बाद दूसरी है, चाइना में ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, हमारा दूसरा स्थान है। तो इतने हमारे मानव संसाधन इसका उपयोग कैसे करें, जब रोजगार नहीं है तो उपयोग नहीं होगा तो मानव संसाधनों का कम उपयोग होगा। राजनीतिक अस्थिरता होगी, सीधी सी बात है, सरकारों ने झूठे झूठे दावे कर दिए, मैं इतने रोजगार दूंगा, मैं इतने रोजगार दूंगा, हर साल लाख, दो लाख, पांच लाख। दो साल पहले बजट में घोषणा बोली 1 लाख भर्ती निकालूंगा, रोजगार दूंगा, दिया नहीं कुछ। अब वो क्या करेंगे, सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आएंगे, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेंगे, है ना। तो ये हो गया, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। सामाजिक असामाजिक गतिविधियों, अब एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में एक हालत बड़ी खराब हुई, लोगों के पास में अर्निंग का सोर्स खत्म हो गए, घर बैठे सड़ रहे थे। अब अचानक से मार्केट जब खुला तो आपने देखा होगा चोरी, डकैती, पता नहीं कौन कौन से नए नए जो अपराध है उनको देखा आपने, बहुत नए नए अपराध मार्केट में आए। ये सब क्यों हुए, बेरोजगारी के कारण। तो सामाजिक बुराइयों में वृद्धि हुई, तो आप लिख सकते हो सामाजिक बुराइयों में वृद्धि, असामाजिक गतिविधियों अर्थात सामाजिक बुराइयां बोल सकते हो, ड्रग्स, चोरी, जुआ आदि में वृद्धि हुई। आर्थिक शोषण, अब एक बात बताओ, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, भाई बेरोजगारी बढ़ रही तो आर्थिक शोषण का मतलब क्या हुआ। हम यहां कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, और मेरे पास वैकेंसी 2 ही है, तो मैं उन सबको बोलूंगा भैया मैं तो 500 रुपए में ही महीने भर में रखूंगा, तो आर्थिक शोषण करूंगा उसका, हाँ वैसे शारीरिक शोषण करूंगा उसको, मैं पैसा पूरा नहीं दे रहा हूं एक प्रकार से जितनी उसकी योग्यता है। तो आर्थिक और शारीरिक शोषण भी आप कह सकते हो। तो ये 4-5 पॉइंट है जो है बेरोजगारी के दुष्परिणाम के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको अपने ऊपर ले लेना, कोई भी टॉपिक आए उसको अपने पर लेकर चलो, अपने आप लिखते जाओगे, आप कहोगे मजा आ रहा है, अपने पर ले लो, खुद पर, ठीक है।